शुरुआत में अमिताभ को उनकी आवाज़ के लिए जबरदस्त आलोचना मिली थी, लेकिन यह भूमिका उनके सबसे यादगार किरदारों में से एक है। आज तक अमिताभ की ज़्यादातर नकली इस फिल्म में उनके अभ्यास की जाती है। अमिताभ बच्चन को गैंगस्टर लुक देने के लिए उनके मुंह के दोनों गलों के नीचे रुई से भर दिया गया था, जैसा कि द गॉडफादर में मार्लन ब्रांडो के चेहरे पर था। मिथुन चक्रवर्ती की किशनीय अय्यर की अनूठी भूमिका लोकप्रिय फिल्म स्टार बनने से पहले उनके संघर्ष के दिनों के उनके एक रूममेट से प्रेरित थी। अपने संघर्ष के दिनों में मिथुन देवियों के साथ कमरा सजा करते थे, जो 150 रुपये का भुगतान करते थे, जबकि मिथुन 95 रुपये का भुगतान करते थे। देवियों के पास एक बिस्तर था, जबकि मिथुन फर्श पर सोते थे। एक विशेष समय पर मिथुन ने अपने बिस्तर का उपयोग किया था जब वह काम पर था, और जब देवियों वापस आए तो उसने मिथुन को डांटा। यह वाक्य मिथुन को याद रहा और उन्होंने देवियों के किरदार को पर्दे पर उतारा। वास्तव में इस फिल्म के लिए झुम्बा चुम्बा दे दे गाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन निर्देशक को लगा कि यह अमिताभ की भूमिका के साथ मेल नहीं खाएगा और इसलिए इस गाने को अलीबाबा से बदल दिया गया और झुम्बा चुम्बा को HUM में इस्तेमाल किया गया। हालांकि दीपक सिंह के अवतार गिल डैनी फिल्म में बचपन से बड़े, लेकिन हकीकत में सभी या तो उनके बराबर उम्र के है उनसे छोटे है। रोहिणी द्वारा अभिनीत अमिताभ बच्चन की माँ असल जिंदगी में उनसे काफ़ी छोटी है। ग्लैम के का गीत यू बिलोंग टू द सिटी फिल्म के पृष्ठभूमि संगीत के एक बड़े हिस्से के लिए फिर से बनाया गया था। गाने का सेक्सलोपन वाला हिस्सा डैनी डेंजोंगपा के समुद्र तट वाले दृश्य में इस्तेमाल किया गया था। डैनी डेंजोंगपा के निर्देशक मुकुल आनंद ने प्रतिपक्षी स्क्रीन नाम कांची चीना सुझाव दिया था। मूल स्क्रिप्ट में एक बेडरूम सीन था, जिसके बाद अमिताभ अपनी माँ से बहस करते हैं और सातवन के लिए माधवी के पास जाते हैं। अमिताभ बच्चन इस बात को लेकर सहज महसूस नहीं कर रहे थे और जब उन्होंने निर्देशक से सीन बदलने करने को कहा तो इसे हटा दिया गया। हालांकि अमिताभ बच्चन और टीनू आनंद ने कालिया सहनशाह और मैं आजाद हूँ में अभियान और निर्देशक के रूप में एक साथ काम किया है, लेकिन यह पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक साथ अभियान किया था। फिल्म के बाद कादर खान ने सुझाव दिया कि वे अमिताभ के चरित्रों को उनके स्वरयंत्र को चोट पहुंचाते हुए दिखाए, इसके पता चलेगा कि अमिताभ अलग आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं। अमिताभ की अलग आवाज़ के इस्तेमाल के कारण दर्शकों ने फिल्म को ज़्यादातर नकार दिया गया था। यह फिल्म हरिवंश राय बच्चन की एक कविता से प्रेरित थी। टीनू आनंद को अपने और अमिताभ बच्चन के बीच का उम्र का दिखाने के लिए अपना सिर गंजा करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने उनके चचा की भूमिका निभाई थी। 8 अप्रैल 1991 को अमिताभ बच्चन ने गो बनानाचा संता क्रूज में दो कार्यक्रम बनाए थे। पहला अवसर अभिनेता को अग्निपथ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलाने का जश्न मनाने का था और दूसरा आधी रात को जया बच्चन का जन्मदिन था। अमिताभ बच्चन और डैनी डेंजोंगपा को उनके करियर में पहली बार एक साथ कास्ट किया गया था। इन दोनों ने लगभग एक ही समय में शुरुआत की थी, लेकिन शोले कुली आदि जैसे कई प्रस्तावों के बावजूद भी इस फिल्म तक कभी भी एक ही फिल्म में अभियान करने में कामयाब नहीं हुए। फिल्म में हॉलीवुड फिल्म ब्लैक रेना का गाना शूट नंबर 1 इस्तेमाल किया गया था। संगीत तब प्रकट होता है जब अमिताभ नीलम को दीपक सिंह से बचाने चाहते हैं। अमिताभ का मशहूर टेलीकॉम एक घटिया आविष्कार वाला डायलॉग अनिल कपूर ने त्रिमूर्ति में दोहराया गया था। माधवा की शूटिंग गोवा में हुई थी। मुकुंद ने टीनू आनंद को सीन में जूनियर कलाकारों के बुरे शब्द कहने के लिए कहा था। डैनी ने निर्देशक से कहा कि अगर टीनू ने उन्हें बुरे शब्द कहे तो वह उसे गोली मार देंगे, इसलिए क्लाइमेक्स सीन में टीनू ने उन्हें बुरे शब्द नहीं कहे बल्कि दिए। यह डबलिंग में है। मुकुल आनंद ने अलीबाबा गाने के लिए जावेद जाफरी से संपर्क किया था। मुकुल ने इस रोल के लिए एक डांसर चाहिए था जावेद समेत हुए, लेकिन बाद में पीछे हट गए। आखिरी घंटे में शक्ति कपूर को साइन किया गया। अमिताभ जानते थे कि उन्हें अपनी फिल्म की शैली बदलने की ज़रूरत है। 1987 में उन्होंने मुकुल आनंद से बात की और उनसे एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए कहा जहाँ वे नियमों को तोड़े और कुछ अलग करे। उन्होंने मुकुल से कहा, यह तक कहा दिया कि वह जिस तरह की चाहे फिल्म की शूटिंग करे, वह किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अग्निपथ में डैनी डेंजोंगपा के किरदार का नाम कांचा चीना खुद अभिनेता के अमित नाम पर रखा गया था। इसका मोटे तौर पर मतलब नेपाली और चीनी मूल के व्यक्ति से है। अग्निपथ के बारे में रूहानी हडागाड़ी ने कहा कि बीच में एक पैच था जब मैंने कहा नहीं, मैं माँ की भूमिका नहीं करने जा रही हूँ और मेरा सचिव मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा था। रोहिणी, ऐसा ही और मत करो, इसके बाद भूमिका नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने फिर भी 3-4 फिल्मों के लिए मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं फिरोज खान की माँ का किरदार नहीं निभाऊंगा। फिर संतान धर्म की एक फिल्म थी जिसे मैंने निर्देशित किया था, तो जब अग्निपथ आई जिसका निर्देशन भी मुकुल आनंद ने किया था, तो मेरे सचिव ने
मुझे शांत किया। ठीक है मैं इसे करूँगा। अग्निपथ उन ठीक तरह की फिल्मों से एक थी, इसलिए मैं मुकुल आनंद के पास गया और उन्होंने कहानी सुनाई और मुझे यह पसंद आई क्योंकि वह पहली बार एक ऐसी कहानी सुन रहा था जिसमें अलग अलग किरदार थे। अन्यथा अमिताभ बच्चन की सभी फिल्मों थी। अमिताभ नायिका और खलनायिका अग्निपथ में पहली बार मुझे पुलिस कमिश्नर का किरदार याद आया, मुझे मिथुन का किरदार याद आया। चरित्र यह था कि पठान पुलिसकर्मी प्रत्येक चरित्र बहुत अच्छी तरह से परिभाषित था और फिर भी अपनी जगह पर था। बुकी बुकी गीत ओ माय ने जिम्स मिशेल जारे की सेकंड रेंजर्स वॉस का नमूना लिया था। अग्निपथ में बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इसी का इस्तेमाल किया गया था। यह फिल्म 28.5 करोड़ रुपये के बजट पर बनी थी और 10 करोड़ रुपये की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर असफल घोषित कर दी गई थी। माधवी इस बात से नाराज थी कि इनके कई सीन एडिटिंग कर दिए गए थे। यह माधवी के अमिताभ बच्चन के साथ अभिनीत आखिरी फिल्म थी। उन्हें अंधा कानून और गिरफ्तार में जोड़ा गया था। 90 के दशक के मध्य से फिल्मों में संन्यास लेने से पहले यह माधवी की आखिरी प्रमुख फिल्मों से एक थी।